माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। चर्चा करेंगे भाई कि धनतेरस पर राशि अनुसार क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो पहले तो बड़ा कंफ्यूजन है कि धनतेरस है कब, 12 या 13। तो 12 नवंबर की रात्रि से 13 नवंबर की संध्या काल तक धनतेरस मनाई जाएगी, त्रयोदशी मनाई जाएगी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की। तो निश्चित तौर पर कोई धातु खरीदने से धन वैभव सुख समृद्धि पैसा रुपया खो आता है। तो इसीलिए इस बार जो सूर्य बृहस्पति चंद्र की स्थिति है उसके अनुसार खास तौर से मैंने 12 राशि वालों के लिए कुछ 12 धातुएं बताऊंगा जिसे लेने से आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है। देखिए हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं ले सकता है, महंगे बर्तन नहीं ले सकता है। तो मैंने कोशिश करी है मेष से लेके मीन तक और ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं की जो कि हर व्यक्ति ले सके, जो हर वर्ग तक पहुंच सके और जो कि किसी भी समस्या और कष्ट से गरीब आदमी भी ले सके। तो इसकी कोशिश करी है। इस धनतेरस के दौरान सूर्य तुला राशि में रहेंगे, हालांकि अपना नीचत तो छोड़ चुके होंगे और 16 को वृश्चिक में चले जाएंगे, तो कोई बहुत डरने घबराने की बात नहीं है। बृहस्पति अपनी अंतिम डिग्री में धनु राशि में रहेंगे। तो यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा कैच है इस साल कि कहीं ना कहीं सूर्य अपनी अंतिम डिग्रियों में और बृहस्पति अपनी अंतिम डिग्रियों में। तो सूर्य बृहस्पति जो कि पीली धातु को ज़्यादातर दर्शाते हैं और धनतेरस के दिन हम उसे लेने में बड़ा इंटरेस्टेड भी रहते हैं, तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और सोना धड़ाम से गिरने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आप चाहें तो रुक भी सकते हैं। चलिए समय को ना जाया करते हुए मेष से लेके मीन तक का हाल बताते हैं आपका। तो सबसे पहले भाई मेष राशि की बात। तो मेष राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो चाहे वो एक हेडफोन हो, वो खरीदना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो चांदी का एक हाथी खरीद लीजिएगा। वाहन खरीदारी से, जमीन जायदाद की खरीदारी से बचना है। हर बार राशि अनुसार क्या खरीदे धनतेरस पे दिवाली पे तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं क्या ना खरीदे, तो आज वो भी बताऊंगा। वृषभ राशि वालों, आप चांदी का एक टुकड़ा चांदी का एक सिक्का खरीद लीजिए, लाभकारी रहेगा। खास तौर से जमीन जायदाद के सौदे भी लाभकारी रहेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए धनतेरस के दिन खासा लाभकारी रहने वाला है, खास तौर से इस दिवाली। क्या ना करें, सफ़ेद चीज़ों का खरीदने से बचिएगा, चांदी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी सफ़ेद चीज़ ना खरीदिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अच्छे रहेंगे आपके लिए, उसी के साथ साथ हरे कलर के कपड़े अच्छे रहेंगे, तांबे के बर्तन अच्छे रहेंगे, लेकिन स्टील प्लास्टिक खरीदने से बचना है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वालों, चांदी के आभूषण खरीदिए, शेयर मार्केट में निवेश करिए, FD में निवेश करिए, लेकिन जमीन जायदाद से बच के रहिए। सिंह राशि वालों, तांबा खरीदिए, फिक्स डिपॉजिट करिए, लकड़ी के फर्नीचर खरीदिए, लेकिन पीतल की चीज़ों से दूर रहना है। कन्या राशि वालों, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए, वाहन खरीदिए, उसी के साथ साथ कोई छोटा सा उपहार घर में किसी मौसी बुआ या बहन या बेटी के लिए खरीद के दीजिए, लाभ मिलेगा। खास तौर से चांदी की चीज़ों से दूर रहिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि, शेयर बाजार से दूर रहना है, वाहन खरीदारी से दूर रहना है, लेकिन चांदी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है इस धनतेरस। वृश्चिक राशि वालों, सोना चांदी जमीन जायदाद या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगा, लेकिन सफ़ेद मिठाइयों के वितरण से दूर रहिएगा, पीली मिठाइयों के वितरण से
दूर रहिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, सोना खरीदिए, लाभकारी स्थिति है। एयर प्योरीफायर खरीदिए, लाभकारी स्थिति है। शेयर मार्केट, जमीन जायदाद से बच के रहिए, नुकसान हो जाएगा। मकर राशि वालों, चांदी खरीदिए, स्टील के बर्तन खरीदिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन फर्नीचर से दूर रहना है। कुंभ राशि वालों, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, वाहन की लेकिन खरीदारी से बचिए। मीन राशि वालों, कोई भी पीली धातु खरीदिए, गणेश लक्ष्मी खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, लाभकारी रहेगा आपके लिए। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।